कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर्य प्रसाद सर आज आप लोगों को इतिहास का पाठ 7 धर्म सुधार और प्रबोधन सन 1300 से लेके 1800 के बीच में इन घटनाओं पर आधारित इतिहास को बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले इसकी मुख्य लाइनें देख लेते हैं क्या है। ये है आपका सबसे पहला, मध्यकाल में लोग धर्म जीरो थे, आधुनिक काल में तात्विकता एवं वैज्ञानिकता विचारों की प्रधानता है, चौथी सदी के बाद अनेक धर्मों पंथों और दर्शनों का चलन था, वैदिक धर्म को मानने वालों में ब्राह्मण अग्रणी थे, आठवीं सदी के महत्वपूर्ण विचारक शंकराचार्य थे। रामानुजाचार्य का कहना है कि अंतिम सत्य ईश्वर है, शिव के पूजक शैव कहलाए, विष्णु के पूजक वैष्णव कहलाए। मध्यकाल में धार्मिक विविधता थी, दलित जातियों और महिलाओं पर अनेक धार्मिक पाबंदियां थी, मध्यकालीन भारतीय समाज में सामाजिक असमानताएं थी। छत्तीसगढ़ में धर्म सुधार का काम कबीर पंथियों ने किया, यूनानी विद्वान तार्किक सोच पर बल देते थे, ईसाई धर्म की शुरुआत पश्चिमी एशिया फिलिस्तीन से भी, चौथी शताब्दी तक चर्च का प्रभाव जनजीवन पर अधिक बढ़ गया था, प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने बाइबल का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करवाया, 18वीं शताब्दी का वैचारिक आंदोलन फ्रांस की क्रांति का कारण बना। चलिए कुछ सही विकल्प सुनकर के लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1, जो लोग वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद के विचारों को अपना आधार मानेंगे कहलाए, तो वे वेदांति कहलाए। तो बच्चों अच्छी तरह से याद रखना इसको। नंबर 2, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया, तो जर्मनी में किया है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसके बाद नंबर 3 है, जियारत का अर्थ है, जियारत का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा। नंबर 4 पे चलते हैं, अबुल फजल किसका सलाहकार था, ये अबुल फजल बच्चों अकबर का सलाहकार था, ये भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको। नंबर 5, मीराबाई के आराध्य थे, मीराबाई के आराध्य कौन थे, तो ये कृष्ण जी थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, चलो देखते हैं यहाँ में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, ये बच्चों अरब में हुई थी, अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। नंबर 2, ईसाई धर्म की शुरुआत पश्चिम एशिया के फिलिस्तीन में हुआ था, यह ध्यान रखना बच्चों, ये है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन प्रदेश में पहली सदी में हुई थी। नंबर 3 है, पाप मुक्ति के लिए रेनांसा काल चर्च बेचना आरंभ किया, तो ये क्या किया, क्षमा पत्र और माफीनामा, क्षमा पत्र लिख दीजिए या माफीनामा कर दीजिए, एक ही मतलब है। अगला नंबर 4 है, मार्टिन लूथर के एक पाठ देखे, तो कहां के थे, ये जर्मनी के, जर्मनी के पाठ देखे। नंबर 5 पे आ जाइए, अर्थशास्त्र के जनक थे कौन थे, ये एडविन स्मिथ, ध्यान रखना नाम, एडविन क्या है नाम, एडम स्मिथ है बच्चों। प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल में क्या वैचारिक अंतर है, तो उत्तर है बच्चों, मध्यकाल में लोग धर्म भीरू थे, अतः अंधश्रद्धा रखते थे, आधुनिक काल में तार्किकता के कारण अंधश्रद्धा का निर्मूलन हुआ, वैज्ञानिक विचारों का विकास हुआ। नंबर अगला है, भारत में धार्मिक विविधता कैसे आई, तो उत्तर है, ये 34वीं शताब्दी के बाद भारत में कई धर्मों पंथों एवं दर्शनों का प्रचलन हुआ, लोग नए विचारों को स्वीकार करने लगे, जिससे धार्मिक विविधता का प्रभाव बढ़ गया। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में विशेष परिवर्तन क्या आया, तो उत्तर है, 11वीं शताब्दी में इस्लाम और सूफी मत के प्रभाव से निर्गुण निराकरण निराकार ईश्वर भक्ति के सिद्धांतों ने जोर पकड़ा, लोग एक दूसरे के देवी देवताओं को मानने लगे,
इससे उपासना की पद्धति में अंतर आ गया। प्रश्न है, मध्य काल में धार्मिक सहिष्णुता का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, ये मध्य काल में धार्मिक सहिष्णुता के कारण अनेक समुदाय एक दूसरे के करीब है। धार्मिक रूढ़िवादिता को मिटाकर एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लामिक समाज में धार्मिक विविधता का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, इस्लामिक समाज में धार्मिक विविधता का परंपरावादी लोगों ने विरोध किया, इससे धार्मिक मतभेद उभरने लगे। प्रश्न है, धार्मिक ग्रंथों में क्या परिवर्तन किए गए? उत्तर है बच्चों, धार्मिक ग्रंथों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करके उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करके धार्मिक संप्रदायों की बहुलता पर अंकुश लगाया गया। प्रश्न है, प्रबोधन क्या था? उत्तर है, प्रबोधन एक वैचारिक आंदोलन था, इसका अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा। विकास के आधुनिक काल पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है बच्चों, आधुनिक काल में विकास के कारण मनुष्य की जीवन शैली में विकल्पों की प्रचुरता हो गई है। मनुष्य विज्ञान और सूझबूझ के कारण उन्नति कर रहा है। प्रबोधन के विचारकों का क्या मत था? उत्तर है, प्रबोधन के विचारकों का मत है, तार्किक विचारों से मनुष्य सुखमय एवं विवेकशील जीवन व्यतीत कर सकता था या कर सकता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, ज्ञान का उद्देश्य नई तकनीकी को विकसित कर जीवन को सुखमय बनाना है। विज्ञान और धर्म में प्रभावशाली क्या है? तो धर्म मनुष्य के विचारों को सीमित करता है, विज्ञान मनुष्य के विचारों को तार्किक प्रदान करता है, किंतु विज्ञान के प्रभाव में आकर धार्मिक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म विचारों से मानव को जोड़ता है। औद्योगिकरण के क्या दुष्परिणाम हुए? उत्तर है बच्चों, औद्योगिकरण के कारण प्रकृति का दोहन, प्रदूषण और मजदूरों का शोषण होने लगा। एक ही देवता की भक्ति के लिए इतने अलग अलग मार्ग क्यों और कैसे बनते होंगे, इस पर कक्षा में चर्चा करें। उत्तर है, ये देवता एक किंतु अलग अलग मान्यता और पंथों के कारण अलग अलग मार्ग बनते जाते हैं। प्रश्न है, आप जिस धर्म को मानते हैं उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में बताएं। तो उत्तर, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, इसकी विभिन्न शाखाएं शैव, वैष्णव, वेदांती आदि है। प्रश्न है, हम आम लोगों के धार्मिक विश्वासों में हम अक्सर कई धर्मों के प्रभाव को देख सकते हैं, क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उत्तर है, भारत में इस्लाम के प्रचार के साथ कई तत्वों को अन्य लोगों ने स्वीकार कर लिया। दरगाह पर जाना, मजारों में प्रार्थना करना, सूफी विचारों को मानना और इससे के जो है ये प्रमुख उदाहरण है। जैसे जैन बौद्ध धर्म के उदय ने भारत में वैदिक काल कर्म कांडों में शिथिलता आई, देशी विदेशी शास्त्रों की समन्वय धार्मिक विश्वास में बदलाव लाया। मुगल बादशाह अकबर के काल में धार्मिक पर्वों में इस्लामी हिंदू दोनों धर्म उत्साह से मनते थे, ये मनाते थे। दरगाह मजारों के प्रति भी प्रभाव देखा गया, इन पर विश्वास जितना मुस्लिमों का था उतना हिंदुओं में ये देखा गया। प्रश्न है, कबीर और गुरु घासीदास के विचारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या विशेषता थी और क्या नया था, पता करें और कक्षा में चर्चा करें। तो उत्तर है, कबीर और गुरु घासीदास के कर्मकांड का विरोध किया। कबीर और गुरुदास ने कर्मकांड का विरोध किया, उन्होंने मानव प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का आधार बताया, दोनों ने ही ईश्वर तक पहुंचने का सीधा और सरल उपाय बताया। ईश्वर भक्ति में धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय और पूजा के तरीकों के भिन्नता से भी परहेज किया, अर्थात मंदिर मस्जिद के भेद को खत्म कर राम रहीम एकता पर बल दिया। ईश्वर आराधना पर कभी भी किसी तरह की निरंकुशता नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए तो कबीर ने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भरे जो हरि का हो। इस्लाम में किन सवालों को लेकर धार्मिक मतभेद उभरे थे? तो उत्तर है बच्चों, तार्किक सोच और विज्ञान की सहायता से धार्मिक मतभेद इस्लाम में उठने लगे।
प्रश्न है, दार्शनिकों और सूफियों के विचारों में क्या अंतर था? तो उत्तर है, दार्शनिकों का विचार था कि तार्किक सोच और विज्ञान की सहायता से ईश्वर को समझ सकते हैं। सूफियों का विचार था साधना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। दार्शनिकों का विश्वास था कि वातावरण का अध्ययन का धर्म अधर्म वातावरण का अध्ययन का अर्थ धर्म का विरोध नहीं, दर्शन और विज्ञान धर्म को समझने में सहायता करता है जिसके द्वारा हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं, जबकि सूफियों ने ईश्वर को जानने के लिए दर्शन को जरूरी नहीं माना। अर्थात ध्यान जप तप मनन चिंतन से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। प्रश्न है, कैथोलिक चर्च की किन बातों ने प्रोटेस्टेंट असहमत थे? उत्तर है, ये कैथोलिक चर्च की निम्नलिखित बातों से प्रोटेस्टेंट असहमत है। नंबर एक, किसी व्यक्ति का धार्मिक मार्ग और धार्मिक विश्वास चर्च तय करेगा। नंबर दो, धर्म की व्याख्या पादरियों द्वारा ही होगी। नंबर तीन, राजकीय सत्ता धर्म न्याय और धार्मिक टैक्स पर कैथोलिक चर्च की वर्चस्व के विरोधी थे। नंबर चार, चर्च द्वारा पाप से मुक्ति के नाम पर बेचे जाने वाले दंड मोचन पत्र या क्षमा पत्र से असहमत थे। नंबर मोक्ष के नाम पर चर्च द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड के विरुद्ध थे। नंबर छह, कैथोलिक चर्च द्वारा समाज में फैलाए जाने वाले कुरीतियों के विरुद्ध थे। प्रश्न है, आपको भारत के भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और प्रोटेस्टेंट आंदोलन में क्या समानता और क्या अंतर दिखता है? पहले हम असमानता में चलते हैं। ये भक्ति आंदोलन है, ये सूफी आंदोलन है और ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। कर्म कांड का विरोध होता था भक्ति आंदोलन, सूफी में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रेम था और प्रोटेस्टेंट में क्या था? धर्म का अर्थ आस्था और विश्वास। समानताएं देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन में क्या था, सूफी आंदोलन में क्या था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रार्थना था, सूफी आंदोलन में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सतत स्मरण था और प्रोटेस्टेंट आंदोलन में धार्मिक सत्ता को स्वीकारना। क्या आपको लगता है कि धार्मिक ग्रंथ आम लोगों के समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिए? उत्तर, हाँ, धार्मिक ग्रंथ आम लोगों के समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिए, इससे लोगों की धार्मिक सोच विकसित होती है। आम लोगों की भाषा में न होने पर वर्ग विशेष धर्म की व्याख्या अपने लाभ के लिए करने लगता है, जिससे कट्टरता कर्म कांडों को पनपने का अवसर मिलता है। जिसे जैसे क्या है, बाइबल का लैटिन भाषा में होना, गीत का संस्कृत में होना, इन भाषाओं के ज्ञाता सीमित होने के कारण ज्ञान प्रकाश भी सीमित हो गया, पर अनुवादों से आम लोगों तक भी ग्रंथों का ज्ञान प्रकाश पहुंच गया। धर्म सुधार आंदोलनों में भाषा की समझ को व्यापक बनाया गया, जिसे रूढ़िवादिता अंधविश्वासों और कर्मकांडों से समाज को बहुत हद तक छुटकारा भी मिला। प्रश्न है, आपको लगता है कि व्यक्ति को खुद के लिए अपने धर्म की व्याख्या करनी चाहिए? उत्तर, हाँ, व्यक्ति को अपने स्वयं के लिए अपने धर्म की व्याख्या कर उस पर अपने को स्थापित करना चाहिए। मार्टिन लूथर का कथन है कि लोगों को धर्म को समझने के लिए किसी वर्ग विशेष पादरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की संपूर्णता व्याख्या करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे ग्रंथों का अध्ययन और मनन स्वयं करें। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आज का मनुष्य 100 साल पहले के मनुष्य से अधिक विकसित है? किन मायनों में आज मनुष्य का जीवन 100 साल पहले के जीवन से बेहतर है और किन मायनों में बदतर है? तो उत्तर है, आज मनुष्य का जीवन 100 साल के पहले के मनुष्य से विकसित है। वैज्ञानिक और तार्किक सोच के कारण जीवन बेहतर है, किंतु मानवीय मूल्यों के घटते स्तर से जीवन बदतर होता जा रहा है। प्रश्न है, प्रगति से आप क्या समझते हैं? समृद्धि, सुख, खुशी, स्वतंत्रता, इनमें से कौन से शब्द को आप प्रगति के सबसे अधिक निकट पाते हैं? उत्तर है, जो प्रगति का अर्थ है समृद्धि, समृद्धि जीवन ही प्रगति का आधार है, क्योंकि प्रगति एक व्यापक शब्द है जो मनुष्य को आंतरिक और बाह्य प्रगति का अवसर देती है। आंतरिक प्रगति में व्यक्ति और समाज का नैतिक उत्थान होता है,
और वाह प्रगति से व्यक्ति व समाज का बौद्धिक तकनीकी वैचारिक विकास संभव होता है। अतः दोनों प्रगति से ही समृद्धि सुख खुशी और शुद्धता को गति मिलती है। प्रश्न है अगला, किसी के द्वारा प्रगत ज्ञान की जगह अपनी ही बुद्धि व तर्क शक्ति पर निर्भर होने के लिए हिम्मत की क्यों जरूरत है? उत्तर है, अपने बुद्धि और तार्किक शक्ति पर निर्भर होने के लिए हिम्मत इससे जरूरी है कि हिम्मत के द्वारा हम अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, किसी की कल्पना से आगे भी नहीं जा सकते। प्रश्न है, प्रबोधन के विकास और उसके पहले के विज्ञान में क्या मुख्य अंतर था? उत्तर है, बच्चों, प्रबोधन के विकास से ज्ञान का उद्देश्य किसी कार्यों के कारण को समझना है। उसके पहले के विज्ञान का आधार कारणों का व्यस्तीकरण था। प्रश्न अगला है, क्या किसी धर्म को न मानकर ईश्वर को मानना संभव है? उत्तर, हाँ संभव है, यह मानव धर्म है। प्रश्न है, किन परिस्थितियों में धर्म मनुष्य को जोड़ता है और किन परिस्थितियों में धर्म के कारण लोग आपस में लड़ते हैं? उत्तर, जब मानवता समाज में व्याप्त है तो धर्म मनुष्य को जोड़ता है, किंतु अंधविश्वास और धर्म भीरू होने पर लोग आपस में लड़ते हैं। प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विज्ञान के विकास में क्या आप कोई संबंध देख सकते हैं? उत्तर है, बच्चों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तार्किक शक्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक के विकास के लिए तर्क शक्ति आवश्यक है। मध्यकालीन भारत में परम सत्य के बारे में क्या क्या कल्पनाएं थी? तो उत्तर है, बच्चों, मध्यकालीन भारत में परम सत्य के बारे में निम्नलिखित कल्पनाएं थी। नंबर एक, ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ है। नंबर दो, ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार का त्याग जरूरी है। नंबर तीन, अंतिम और परम सत्य तो ईश्वर है जो संसार की रचना पालन और विनाश करते हैं। सभी प्राणी मात्र आत्मा से परमात्मा में समा जाना चाहते हैं, इसके लिए श्रेष्ठ मार्ग ईश्वर भक्ति को माना गया है। प्रश्न है, भारत में धार्मिक वीरता का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? उत्तर है, धार्मिक वीरता का लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव हुआ। नंबर एक, धार्मिक विवाद बढ़ने लगे। नंबर दो, जाति व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगा। नंबर तीन, धार्मिक वीरता लोगों को पंथ आत्मसात करने की वीरता भी देती है। प्रश्न है, जाति व्यवस्था ने किस प्रकार लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया होगा? उत्तर है, जाति व्यवस्था के कारण धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मंदिरों में प्रवेश, यज्ञ और कर्मकांड आदि ने लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया होगा। प्रश्न है, अकबर की धर्म सहिष्णुता नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? उत्तर है, अकबर ने धर्म सहिष्णुता नीति के बनाने का कारण भारत जैसे बहुधर्मी देशों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना था, जिसके कारण शासन करने में सुविधा हो सके, इसके लिए सुलह कुल की नीति अपनाई गई। उन्होंने माना कि सम्राट किसी एक धर्मावलंबियों का नहीं बल्कि सभी धर्मावलंबियों के लिए होता है। प्रश्न है, कबीर जैसे विचारकों ने किस प्रकार धर्मों के घेरे से निकलकर ईश्वर भक्ति की बात की? उत्तर है, कबीर जैसे विचारकों ने सामाजिक असमानता, भेदभाव, धर्म और वैचारिक मतभेद से परे नए धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसने रूढ़िवादिता को नकारा, ईश्वर तक पहुंचने का नया मार्ग गीतों के माध्यम से बनाया, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्मकांड, मंदिर या मस्जिद की जरूरत को अस्वीकार किया। प्रश्न है, महिला भक्तों की जीवनी में आपको क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं दिखाई देती, क्या क्या अंतर देखते हो? उत्तर है, मध्यकाल में जब महिलाओं को धार्मिक अध्ययन और शास्त्र से दूर रखा गया था, तब अनेक महिलाओं ने घर बार छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाया। उनमें कर्नाटक की अक्का महादेवी, कश्मीर की ललेश्वरी या लल्ला देवी और राजस्थान की मीराबाई प्रसिद्ध थी। समानताएं, अपना परिवार तीनों ने त्याग कर समाज द्वारा स्थापित संबंधों को तोड़ा। नंबर तीन, तीनों ईश्वर भक्ति की चर्चा, भजन और ईश्वर प्रेम में लीन रही। नंबर तीन, तीनों महिला भक्तों के भजन आज भी घर घर में गाए जाते हैं। विभिन्नताएं क्या रही? नंबर एक, अक्का महादेवी ने ईश्वर भक्ति के प्रति
के लिए पति और परिवार का त्याग किया, ईश्वर आराधना को अपनाया। नंबर दो, लल्ला देव वाद विवाद से त्रस्त होकर सूफी संतों के विचारों से प्रेरित हुई और एक ईश्वरीवादी विचारधारा को प्रसारित किया। मीराबाई विधवा हो गई। कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने के कारण उन्हें विस्पान कराया गया, राजमहल से निकाल दिया गया। प्रश्न है अगला, परंपरावादी मुसलमान, दार्शनिक मुसलमान और सूफियों में क्या क्या भिन्नताएं थी? उत्तर है ये, परंपरावादी मुसलमान कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम मानते थे, सामूहिक प्रार्थना पर जोर देते थे। दार्शनिक मुसलमान तार्किक सोच को ईश्वर को समझने का साधन मानते थे। सूफी लोग ध्यान और जप के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है, इस भावना पर जोर देते थे। प्रश्न है, मध्यकालीन इस्लामी दार्शनिकों ने किस प्रकार प्राचीन यूनानी दर्शन को आधुनिक विश्व तक पहुँचाया? उत्तर है, प्राचीन इस्लामी दार्शनिकों ने प्राचीन यूनानी दर्शन का अरबी भाषा में अनुवाद किया, बाद में इसी दर्शन का यूरोपीय भाषा में अनुवाद होकर आधुनिक काल में यह अध्ययन का विषय बना। धीरे धीरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होता रहा। प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च की भूमिका क्या थी? इस भूमिका का धर्म सुधार का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना उत्तर है। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म चर्च पर केंद्रित था। हर ईसाई व्यक्ति को चर्च का सदस्य होना अनिवार्य था। धार्मिक मामलों में चर्च की बातों को ही स्वीकार किया जाता था। पोप की धार्मिक सत्ता सर्वोपरि थी। श्रद्धालुओं को क्षमा पत्र खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानववादी बुद्धिजीवियों ने चर्च के सिद्धांतों की आलोचना की। कर्मकांड का विरोध हुआ। आंतरिक आस्था बढ़ी। किसान, कारीगर, गरीब तबके के लोग धर्म सुधार आंदोलन में शामिल हुए। प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने किन किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की? उत्तर है, मार्टिन लूथर ने निम्नलिखित बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की। नंबर एक, ईश्वरीय कृपा और अंतःकरण की आस्था मोक्ष के लिए आवश्यक है। चर्च द्वारा एवं पोप द्वारा जारी किए गए माफी नामों का कोई औचित्य नहीं है। नंबर दो, धर्म की व्याख्या के लिए स्वयं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, यह आवश्यक है। नंबर तीन, हर ईसाई खुद एक पादरी बनकर ईश्वर से संपर्क कर सकता है। प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध आप देख पाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, धर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक धर्म की बुराइयों के साथ धार्मिक कुरीतियों का समापन हुआ। धीरे धीरे धर्म के ऊपर के राज्य की सत्ता समाप्त करके धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हो सकी। प्रश्न है, प्रबोधन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका वैज्ञानिक क्रांति से क्या संबंध था? उत्तर, प्रबोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर एक, मानव विकास का आधार विज्ञान और उद्योग है। नंबर दो, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तथ्यों पर नियंत्रण संभव है। नंबर तीन, विकास का अर्थ स्वतंत्रता एवं विकल्पों की होता है। प्रबोधन ने विज्ञान को विकास का आधार बताया। वैज्ञानिक क्रांति ने मनुष्य विभिन्न जीवन शैलियों के बीच अपना मार्ग चुन सकता है। प्रश्न है, रोमानी आंदोलन किन बातों पर प्रबोधन से असहमत था? देखते हैं। उत्तर बच्चों, प्रबोधन ने विज्ञान और तकनीकी ज्ञान विकास के लिए आवश्यक बताया। रोमानी आंदोलनों ने विकास के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य को आवश्यक बताया। इस प्रकार एक विकास पर बल देता है जो तो दूसरा सामंजस्य पर बल देता है। प्रबोधन संसार को जानने समझने के लिए विज्ञान की शक्ति को स्वीकारा, जबकि रोमानियों ने संसार को समझने के लिए भावनाओं और एहसास ही पर्याप्त माना है। इसी प्रकार ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और मुझे क्या बना करके भेजना है, इसी के आधार पर मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके बच्चों और ज्यादा लाभ लोग उठा सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डाउनलोड उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और उसका फायदा तुरंत मिल सकता है।
थैंक यू अभिनय दे। इसी के साथ मैं आज प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर अगले लेसन पर।